असलकम अजीज़ तलबा इससे पहले वाले पीरियड में हम देख चुके हैं कि किस तरह से हमजाद मसावतें दी होती है जो खत्ती मसावतें ना हो लेकिन उनमें कुछ तब्दीली करके हम उनको हमजाद मसावतों में खत्ती शक्ल में तब्दील कर सकते हैं जैसा कि यहाँ पर ये मिसालें पिछले पीरियड की आपके सामने रखी हुई है तो हम मशक़ से डई में यही तब्दीली करके हल करेंगे जिसका कि पहला सवाल है दर्ज झैल हमजाद मसावते हल कीजिए ये हमजाद मसावते हैं लेकिन खत्ती मसावतें नहीं हैं तो इसमें हम तब्दीली करेंगे पहले हम दिए हुए मसावतें लिख लेते दो तो बटे एक्स नफ़ी तीन बटे वाय बराबर पंद्रह इसको हम नंबर एक दे देंगे आठ बटे एक्स जमा पाँच बटे वाय बराबर सत्तर हम मसावत नंबर दो दे देंगे और यहाँ पर वो तब्दीली बयान करेंगे जो हमने ऊपर बग़ैर बयान किए लिख दिए थे डायरेक्ट मसावत एक और दो में ए बराबर एक बटे एक्स और बी बराबर एक बटे वाई रखने पर अब ये पहली मिसाल है इसलिए मैं थोड़ी सी इसके अंदर वजाहत कर दे रहा हूँ कि ये दो बटे एक्स का मतलब होता है दो और कॉस में एक बटे एक्स नफ़ी तीन जरब एक बटे वाई बराबर पंद्रह तो ये हो गया दो ए नफ़ी तीन बी बराबर पंद्रह इसको हम कहेंगे मसावत नंबर तीन अब अगले में हम डायरेक्ट कर सकते हैं कि ये बटे वाली शक्लें चली गई यहाँ ए आ जाएगा यहाँ भी आ जाएगा आठ ए जमा पाँच बी बराबर सतर यह है मसावत नंबर चार अब जरीब यकसा करके या फिर क्रामर का असूल इस्तेमाल करके किसी भी एक तरीक़े का इस्तेमाल करके हम इन मसावतों को हल कर सकते हैं आसानी तो मुझे ये नज़र आ रही है कि ये मसावत को अगर हम चार से ज़रब कर दे तो यहाँ आठ आ जाएगा यहाँ भी आठ है तो काम आसान हो जाएगा हम क्या करेंगे मसावत नंबर तीन को चार से ज़रब करने पर मसावत तीन को चार से ज़रब करने पर मैं एक मरतबा तुम्हारी याद दहानी के लिए मसावत नंबर तीन यहाँ लिख देता हूँ सफ़ा पलट गया इस वजह से दो ए नफ़ी तीन बी बराबर पंद्रह इसको हम ज़रब कर रहे हैं चार से तो मसावत हासिल हो जाएंगी हमारे को यहाँ लिख देता हूँ नीचे आठ ए चार दो नी आठ नफ़ी चार त्रिक बारह बी बराबर पंद्रह चौक साठ ये होगी मसावत नंबर पाँच अब मसावत नंबर चार भी लिख देता हूँ मैं बाजू में आठ ए जमा पाँच बी बराबर सतहत्तर अब ये है मसावत नंबर चार मसावत नंबर चार से पाँच तफरीक करने पर मसावत चार से पाँच तफरीक करने पर पहले हम लिखेंगे मसावत नंबर चार आठ ए जमा पाँच बी बराबर सत्तर तफरीक आठ ए नफी बारह बी बराबर साठ मजबत है मनफी हो जाएगा ये मनफ़ी था मजबत हो जाएगा ये मजबत था मनफी हो जाएगा आठ ए में से आठ ए चला गया बारह और पाँच इनकी जमा होंगी बारह जमा पाँच सत्रह बी बराबर ये तफरीकमल है सात में से सिफ़र गया सात सात में से छः गया एक सत्रह बी बराबर सत्रह अब ये सत्रह और बी के दरमियान जरब का अमल है इसलिए दूसरे तरफ तकसीम में गया उसी अदद को उसी अदद से तकसीम करे जवाब आया एक बी बराबर एक किसी भी एक मसावत में रखकर हल कर सकते हैं ए के लिए तो हम मसावत नंबर तीन का इस्तेमाल कर लेते हैं मसावत तीन में रखने पर दो ए नफ़ी तीन बी की कीमत एक बराबर पंद्रह दो ए तीन एक तीन ये नफी तीन दूसरे तरफ जाने पर जमा तीन होगा अठारह जम तीन पंद्रह जमा तीन, तीन यानी अठारह दो ए बराबर अठारह दो और ए के दरमियान ज़रब का अमल है इसलिए ये तकसीम में गया दो के पहाड़े से दो एक की दो दो नाम अठारह ए बराबर नौ अब ये जो जवाब आया है ये ए और बी की शक्ल में आया है हमको यहाँ पर रुकना नहीं है हम यहाँ पर एक्स और वाई की कीमत हासिल कर रहे हैं तो उस चीज़ का ध्यान रखना है लेकिन ए बराबर है एक बटे एक्स और बी बराबर है एक बटे वाई इसलिए एक बटे एक्स बराबर ए यानी नौ और एक बटे वाई बराबर बी यानी एक अब इसका माकूस कर ले तो या तिरछा जर्ब कर ले नौ यहाँ आएगा एक सुधर चला जाएगा गया वाई और एक का माकूस एक होगा तो इस तरह से हल हासिल हुआ हमारे को एक्स और वाई एक बटे नौ और एक अब जवाब की तस्दीक करना ज़रूरी है सवाल था हमारा दो बटे एक्स नफ़ी तीन बटे वाई बराबर पंद्रह एक्स की कीमत एक बटे नौ नफी तीन बटे एक बराबर पंद्रह ये दो कसरे दो बटे एक और एक बटे नौ दो कसरों की तकसीम हो तो पहली कसर जो कि तुम और जरब तकसीम का अमल बदल जाएगा ज़रब में और इसका माकुश नफ़ी तीन एक से तकसीम करने पर फ़र्क नहीं पड़ता इसलिए तीन बराबर पंद्रह दो नाम अठारह न ना सब नुमा का एक कोई फ़र्क नहीं हुई तकसीम से अठारह में से तीन गए पंद्रह इस तरह से हमारा जवाब सही है चलिए अब हम दूसरा सवाल हल करने जा रहे हैं इसमें थोड़ी ज़्यादा तब्दीली है एक्स जमा बै और एक्स नफी वा न सब नुमाए हैं ये ध्यान में रखकर हमको तब्दीली करना इससे पहले एक बात आप लोग अच्छे से अपने जहन में रख ले कि ये किस्म के जो सवालात है ये दो मरहलों में हल होते हैं इसलिए ये चार मार्क्स से कम के सवालत नहीं हैं इसको वक्त भी ज़्यादा लगता है चलिए शुरू करते हैं पहली मसावत दस बटे एक्स जमाए जमा दो बटे एक्स नफ़ी वाई बराबर चार मसावत नंबर एक पंद्रह बटे एक्स जमा वाई नफ़ी पाँच बटे एक्स नफ़ी वाई बराबर नफ़ी दो मसावत नंबर दो मसावत एक और दो में ए बराबर एक बटे एक्स जमा वाई और बी बराबर एक बटे एक्स नफ़ी वाई रखने पर हम यहाँ पर रखेंगे हम ये दस एक बटे एक्स यानी ए जमा दो एक बटे एक नफ़ी वाई यानी बी बराबर चार मसावत नंबर तीन पंद्रह ए नफ़ी पाँच बी बराबर नफ़ी दो मसावत नंबर चार अब यहाँ अगर हम देखें तो इन दोनों मसावतों में ज़रीब नहीं है हमको को यकसा करने होंगे जरीब इसलिए या तो हम इन दोनों का इस्तेमाल करें या इन दोनों का इस्तेमाल करें अगर ये दोनों का इस्तेमाल करते हैं तो ऊपर वाला आदत यानी दो से नीचे करना होगा ज़रब दो से मसावत नंबर चार को और पाँच से मसावत नंबर तीन को या फिर क्रामर का असूल इस्तेमाल कर सकते हैं तो यहाँ पर मैं क्रैमर का इस्तेमाल कर लेता हूँ डी डी में मुस्तकिल आदत लेंगे जरिब लेंगे हम दस पंद्रह ये ए के जरिएब हो गए अब बी के जरिए दो नफ़ी पाँच हल करेंगे इसको तिरछे ज़रब की तरह मजबत और मनफी का ज़रब मनफी पाँच दाहे पचास अब यहाँ पर हम हर स्टेप को नहीं बयान करेंगे हम डायरेक्ट काम कर रहे हैं नफ़ी अमल वाला है अब ये दोनों का जरब पंद्रह दो 30 नफी पचास नफ़ी तीस कर्ज था फिर कर्ज लिए कर्ज बढ़ गया डी की कीमत आई डी एक्स पहला कॉलम गायब करेंगे मुस्तकिलद लिखेंगे चार नफी दो दो नफी पाँच तिरछा ज़रब मसबत मनफी का ज़रब मनफी पाँच चौकबीस नफ़ी अमल की अलामत और ये अलामत नफ़ी है दो दो चार मस्बत मनफी का ज़रब मनफी पहले से एक मनफी और ये अलामत भी मनफी आई मनफी मनफी का ज़रब मत मैं स्टेप्स कम कर रहा हूँ बड़े में से छोटा अलात बड़े वाले की बीस में से चार सोला। की गए सोलह डी एक्स की कीमत मिल गई डी वाई पहला कॉलम वही रखेंगे दस पंद्रह दूसरा कॉलम गायब करेंगे चार नफ़ी दो तिरछा ज़रब मजबत मनफ़ी का ज़रब मनफी दस दोनी बीस मनफी अमल वाला ये दोनों का ज़रब पंद्रह चौक साठ ये कर्ज है ये भी कर्ज़ है कर्ज़ बढ़ गया नफ़ी अस्सी तो इस तरह से तीनों कीमतें हासिल हुई अब यहाँ पर मैंने एक्स और वाई इस्तेमाल किया हूँ क्योंकि हम हमेशा इस्तेमाल करते आ रहे हैं लेकिन यहाँ हमको जो कीमत मिलेंगी वो ए की मिलेंगी डी एक्स बटे डी बराबर डी एक्स नफ़ी सोलह और डी नफ़ी अस्सी मनफी मनफी मजबत हो जाएगा सोलह इक्कीस सोलह सोलह पंजे अस्सी सोलह का पहाड़ा इस्तेमाल करना होगा वरना फिर कुछ इस तरह से चार से तकसीम करेंगे आप लोग चार चौक सोलह चार दोनी आठ सिफ़र को तकसीम नहीं हुई बीस चार बटे बीस चार एक ही चार और चार पंजे बीस एक बटे पाँच इस तरह से ये काम हुआ पूरा बी डी वाई बटे डी डी वाई की कीमत नफ़ी अस्सी बटे नफी अस्सी उसी आदत को उसी अदत से तकसीम करें जवाब एक आता है ये भी मनफी ये भी मनफी मजबत हो जाएगा एक तो इस तरह से ए की कीमत आई एक बटे पाँच और बी की कीमत आई एक लेकिन हमारा सवाल ए और बी में नहीं है ए बराबर है एक बटे एक्स जमा वाई और बी है एक बटे एक्स नफ़ी वाई इसलिए एक बटे एक्स जमा वाई बराबर ए की कीमत है एक बटे पाँच और एक बटे एक्स नफ़ी वाई बराबर बी बी की कीमत है एक ए की एक बटे पाँच बी की एक माकूस करो या तिरछा जरब करो तो एक्स जमा वाई बराबर पाँच और एक्स नफ़ी वाई एक का माखुश एक ही होता है अब ये मसावत हो गई पाँच और ये हो गई छ पाँच और छ की जमा एक्स जमा वाई बराबर पाँच जमा एक्स नफ़ी वाई बराबर एक एक्स एक्स दो एक्स हो गया मजबत वाय से मनफी वाय कट गया बराबर छ दो जाएगा तकसीम में दो तीए छ तीन मसावत पाँच में रखने पर एक्स जमा वाई बराबर पाँच तीन जमा वाई बराबर पाँच वाई बराबर पाँच इधर आकर नफ़ी होगा दो तो इस तरह से हल हासिल हो गया हमारे को एक्स की कीमत तीन और वाई की कीमत दो अब रह जाता है सवाल तस्दीक वाला कि उसकी तस्दीक करना है तो तस्दीक की दर कर लेते हैं हम लोग तस्दीक करना हमारे लिए ज़रूरी है पेपर में ये काम कच्चा करे और रबर से मिटा भी दे तो कोई हरकत नहीं दस बटे एक्स जमा वाई तीन जमा दो जमा दो बटे एक नफ़ी हुआ तीन नफ़ी दो और इधर बराबर में दिया है चार दस तीन और दो पाँच हो गया जमा दो बटे तीन में से दो गया एक बराबर चार पाँच एक पाँच पाँच दूनी दस दो एक से तकसीम करने से फ़र्क नहीं पड़ता दो दो और दो चार यानी अपना जो जवाब है वो सही है ठीक है यहाँ पर हम रुकते हैं इनशाला इसके बाद वाले हिस्से को हम आइंदा पीरियड में लेंगे